Bismillahirrahmanirrahim Assalamu Alaikum I hope you all are fine and staying safe and happy I am your GK teacher Ms. Farheen and I welcome you all to your GK class My dear students as you know that we are going to uh, we are on unit number 15 inventions jisme hum इंपॉर्टेंट इजादात जो है हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं आज हम इसी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स लेकिन सबसे पहले recap कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था सो so, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी आपने उनको गौर से सुनने के बाद फिर आपने वीडियो को पॉज करके आंसर करना है सो माई डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सेलुलर फोन्स ऑन आर लाइफ वेरी गुड ओके हाउ मेडिसिन हेल्प अस दवाइया किस तरह हमारी मदद करती हैं जी एक तो ये हमें मेडिस अगर हमें कोई डिजीज़ हो जाती है तो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है इसके अलावा ये मुख्तलिफ डिज़ीज होने से पहले भी हमें उनसे बचाती है सो so, ये तमाम जो है बेन, बेनिफिट्स हैं मेडिसन्स uh, के सो माई डियर स्टूडेंट्स नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टू वर्ड्स द प्री रीडिंग क्वेश्चन सो क्विकली टेल मी वाट आर इन्वेंशन्स नेम सम मेजर इन्वेंशन सो बेसिकली इन्वेंशन क्या है जल्दी से थोड़ा सा रिकैप कर लें आप ऑलरेडी जानते हैं इन्वेंशन हम किसी ऐसी चीज को कहते हैं जो आज से पहले कभी मौजूद नहीं होती और उसको बनाते हैं जब किसी ऐसी चीज को तो उसको हम इन्वेंशन कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशन के नेम्स बताएं ये आप वीडियो को पॉज करके खुद मुझे बताएंगे जल्दी से बताएं वेरी गुड ओके सो एरोप्लेन इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल फोन कंप्यूटर्स दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन

चाहे वो बुक में मौजूद है या नहीं है आपने उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है और आपके पैराग्राफ में आपकी इन्वेंशन का नाम होना चाहिए दैट माई फेवरेट इन्वेंशन इज़ डैश एंड हु इन्वेंटेड इट तो फिर आप लिखेंगे डैश इज़ द इन्वेंटर ऑफ दिस इन्वेंशन एंड ईयर ऑफ इन्वेंशन किस ईयर में इसको बनाया गया ईजाद किया गया पर्पज़ क्या था इसका और इसके अलावा इसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है ये तमाम पॉइंट जो हैं आप लिखेंगे सो माई फेवरेट इन्वेंशन इज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट इज़ कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर के बगैर मुझे नहीं लगता अगर आप मोबाइल फ़ोन की भी बात करें कंप्यूटर की बात करें लैपटॉप की बात करें तो इट इज़ द बेस्ट इन्वेंशन विच इज़ विच वी आर यूजिंग नाउ अडेज सो 1822 ने पहला कंप्यूटर इन्वेंट किया था जिसको अब आप इतने छोटे साइज में देख रहे हैं उस वक्त ये ऐसा नहीं दिखता था इट was वेरी ह्यूज कई कमरों पे मुश्तमिल होता था उस वक्त एक कंप्यूटर जो है और बेसिकली इसकी इन्वेंशन का पर्पस क्या था टू ऑटोमेट कैलकुलेशन दैट वर प्रीवियसली डन बाय ह्यूमन यानी कि कैलकुलेशंस को ऑटोमेट करने के लिए जो कि पहले से की गई थी उनको डाटा को कलेक्ट करने के लिए और इन तमाम कामों के लिए उसने एक कंप्यूटर को इन्वेंट किया और अब उसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है यू विल राइट इट इन योर ओन वर्ड्स इसके अलावा कंप्यूटर हैज़ बीन इंटरवीन टू एवरी सफेयर ऑफ ह्यूमन लाइफ सच एज स्कूल्स ऑफिस बैंकिंग कम्युनिकेशन मेडिकल फील्ड एट्सेट्रा यानी कि इसकी जो असरात है और इसका जो इस्तेमाल है वो तकरीबन हमारे हर फील्ड ऑफ लाइफ में हम आजकल कर रहे हैं इसके अलावा कोई इसका डिसएडवांटेज अगर आपको लगता है मेरे ख्याल से बच्चे क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा देते हैं इसकी वजह से उनकी आई साइट जो है वो इफ़ेक्ट होती है और हेल्थ पे भी असर अंदाज होता है सो so, आपका स्क्रीन टाइम जो है वो लिमिटेड होना चाहिए वट विल यू इन्वेंट एज एन इन्वेंटर हाउ विल इट सर्व द लाइफ ड्रॉ इट्स इमेजनरी पिक्चर अब आपने ख़ुद से क्या करना है आपने बताना है कि क्या आप कोई चीज़ इन्वेंट करना चाहते हैं अगर चाहते हैं तो वो क्या चीज है आपने उसकी एक रफ सी पिक्चर भी ड्रॉ करनी है एंड ऑल्सो कलर इट सो अगर आपके ये जगह काफी नहीं है तो यू कैन यूज योर नोटबुक फॉर दिस प्रोजेक्ट पॉज द वीडियो एंड क्विकली फिनिश इट आई होप एवरीबडी हैज डन इट नाउ लेट क्विकली मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द एवेल्यूएशन सो वट इज योर फेवरेट इन्वेंशन हाउ कंप्यूटर इज यूजफुल इन लाइफ सो आपकी फेवरेट इन्वेंशन कौन सी है उसका नाम बताएं गुड और कंप्यूटर आप किस तरीके से अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं क्या इम्पैक्ट है आपकी लाइफ पे ओके वेरी गुड नाउ इज़ द टाइम फॉर प्रैक्टिस फॉर विच यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्राम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो और यू कैन गट एट एंड प्रिंट फॉम बायो टीचर सो माई डियर स्टूडेंट्स राइट डाउन योर नेम एंड रोल नंबर एन देन कार्ट एंड पेस्ट सो यहाँ पे कुछ डिस्कवरीज और इन्वेंशन जो है वो दी गई हैं सबसे पहले इन्वेंशन और डिस्कवरी के दरमिया एक फ़र्क जो है मुजना जो है वो पहले कर लें इन्वेंशन जैसा कि आप पहले से जानते हैं इन्वेंशन कोई भी ऐसी चीज का ईजाद होना है जो कि पहले से मौजूद नहीं थी आप अपनी सहूलत के लिए उसको ईजाद कर सकते हैं और डिस्कवरी जो है वो किसी ऐसी चीज़ की होती है उसको ऐसी चीज़ को दरियाफ्त करना जो कि पहले से मौजूद है दुनिया में बस लोगों को उसके बारे में पता नहीं था ठीक है तो अगर आप उसको दरियाफ्त कर लेते हैं तो फिर ये जो है एक डिस्कवरी होती है ठीक है ईजाद में और दरियाफ्त करने में यही फ़र्क है इजाद वो चीज़ होती है जो मौजूद पहले से नहीं होती दरियाफ्त करना या डिस्कवर करना वो चीज है जो कि पहले से मौजूद होती है लेकिन लोगों को उस वक्त तक उसका पता नहीं होता जब तक कि वो दरियाफ्त हो जाए सो माय डियर स्टूडेंट्स माइक्रोस्कोप एंड फायर इज विच वन इज डिस्कवरी एंड विच वन इज इन्वेंशन आपको पिक्चर को कट करके आपको राइट right कॉलम में इसको पेस्ट करना है देन कंप्यूटर एंड व्हील इन्वेंशन कौन सी है डिस्कवरी कौन सी है बोथ आर इन्वेंशन टमेटोज एंड पेट्रोलियम बोथ हार्ड डिस्कवरीज क्योंकि ये दोनों दुनिया में पहले से मौजूद थी सिर्फ इनको डिस्कवर किया गया ओके माई डियर स्टूडेंट दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट द वर्कशीट बाय कटिंग आउट द पिक्चर्स एंड देन पेस्टिंग इन द राइट कॉलम रिपीट द प्रोजेक्ट टू गिवेन ऑन पेज नंबर वन हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव एच ओ होम्स